So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for Unacademy. So चलिए शुरू करते हैं. So स्वागत है आपका. Please Unacademy Learning app को download कर लीजिए. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा Unacademy Learning app पे? आपको daily live classes मिलेंगी, structured course मिलेगा, live test मिलेंगे, unlimited access मिलेगा बहुत सारी awesome videos का. Unacademy provide करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं. चलिए अब हम देखते हैं, बात करते हैं यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में. सो अगर आप चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो है 64,000. बट अगर उसमें आप अलोक वाटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी? दैट विल बी 57,600 रुपीज. ठीक है, अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या अलग है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटोर जो आपकी पूरी पढ़ाई करवाएगा और आपको बेहतरीन बनाएगा. सो ये आपका पर्सनल कोच होगा, पूरी तरीके से पर्सनल गाइडेंस देगा, मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा आपको. यहाँ पे स्टडी ट्रैक होगी, आपकी डेली रिपोर्ट्स होंगी, आपका प्रोफाइल रिव्यू होता रहेगा, आपके ढेर सारे स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, डेली आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, लाखों रुपए खर्च करो तब जाके ये मिले. ठीक है, डेली आंसर राइटिंग्स होंगी. ठीक है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा डेली बेसिस पे. सो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर मेन पर्पसेस. नेक्स्ट टारगेट करंट अफेयर्स होंगे उसके आर्टिकल्स के, डेली क्विजेस होंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगी आपकी. अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में प्लस में और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है. देखिए, प्लस में आपको लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल तो मिलेगा, बट पर्सनल कोच, डेली मेन्स आंसर क्वेश्चन राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक ये आपको किसमें मिलेगा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड होगा. ठीक है, तो आइकॉनिक की जो चार्जेस हैं, अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो उसके 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 99,000 रुपीज में. ठीक है, बट अगर आप उसमें आलोक SPAKP 10 या फिर आलोक YT दोनों में से किसी भी कोड को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 89,000 और आप इसे EMI पे भी ले सकते हैं 12 और 24 महीने की. ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 64,000, बट अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं मेरा तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 57,600 रुपीज. ठीक है, चलिए. सो लेट्स क्रैक इट विद Unacademy. सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS. सो हमारा जो कोर्स ओवरव्यू चल रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर जो है हम उसे किसके फॉर्मेट में कर रहे हैं? MCQ के फॉर्मेट में कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक GK का पोर्शन है उसके भी हम लोग MCQ फॉर्मेट में चीजें करते जा रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो 21 और 22 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन्हें हम आज करेंगे. चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं. मनोदर्पण इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, पूछ रहा है कि जो मनोदर्पण इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है. ठीक है, चलिए. तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, टीचर्स और फैमिलीज को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आर्मी पर्सन को या फिर डॉक्टर्स को या फिर ऑल ऑफ द अबव को. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन के आते हैं. ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या है, किससे डील करता है, किसने लॉन्च किया. ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये करता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किनको? स्टूडेंट, टीचर्स और उनसे रिलेटेड जो फैमिलीज हैं उनको. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसे लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बोथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज एंड क्वाड. तो कौन है ऐसा इनमें से जो दोनों का पार्ट नहीं है? ठीक है, मतलब दोनों का ही पार्ट नहीं है. ठीक है, मतलब दोनों का पार्ट नहीं है, या तो मालाबार का ना हो या फिर क्वाड का ना हो, किसी एक का ना हो. ठीक है, या फिर दोनों का पार्ट हो. ठीक है, उस तरीके से आप समझेंगे. तो भैया, इंडिया दोनों का पार्ट है, US दोनों का पार्ट है, जापान दोनों का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया दोनों का पार्ट नहीं है. ऑस्ट्रेलिया क्वाड का ग्रुप है बट मालाबार एक्सरसाइज में अभी उसकी एंट्री को लेके पूरी चीजें चल रही है. ठीक है, वो उसी से रिलेटेड ये न्यूज थी. तो इंडिया भी डिसाइड कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को क्या किया जाए, क्वाड इसमें मालाबार एक्सरसाइज में ट्राइलेटरल में जोड़ा जाए. ठीक है, कुछ इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलेंगे. ठीक है, वो अलग चीज है. चलिए, नेक्स्ट है,
गौधन न्याय योजना टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी इज लॉन्च्ड बाय। तो गौधन या जो स्टेट की स्कीम्स होती हैं कुछ, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हर जगह काम आती हैं। तो गौधन न्याय योजना जो है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ये कहाँ की योजना है आपको ये बताना है। यूपी, एमपी, ये बिहार है, सॉरी तो कोई बुरा ना माने, बिहार, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। तो इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है, ठीक है। चलिए, तो गौधन न्याय योजना इसे बनाया गया। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो काउ डंक है उसको वो 2 रुपये पर केजी पे खरीदेगी, ठीक है। तो आम बात है, इससे ज़्यादा किसानों को कितना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे देखते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज इटलोजोम न्यूली क्लियर्ड फॉर कोविड यूज्ड इन ट्रीटिंग, ठीक है। तो ये जो है न्यूली क्लियर्ड अभी की गई है, ठीक है, ये किसके ट्रीटमेंट में असल में इस्तेमाल होती है, अभी कोविड के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर सके हैं, तो सोरोसिस, ठीक है, सोरेसिस, फिर कोरोसिस और मलेरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है सोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या है, इटलोजोम जो है ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या है, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे अलाउ कर दिया है, ठीक है, बट वो लास्ट रिसॉर्ट के लिए। कब, लास्ट रिसॉर्ट, जब बहुत ज़्यादा एक्यूट पैरालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी हमें पता है, तो क्या होता है रेस्पिरेटरी, समझिए इस बात को। साइटोकैनिन स्टॉर्म के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, एक ड्रग के कारण अभी ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो कोरोना वायरस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है रिएक्ट करता है और ढेर सारा साइटोकैनिन छोड़ता है बॉडी में। इस साइटोकैनिन की वजह से क्या होते हैं, हमारे लंग डेंजर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसी को ये रोकेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आपके सामने है, पाइथनोमस राक्षसा स्पीसीज है डिस्कवर्ड इज बेसिकली, ये क्या है, अभी ये रिसेंटली स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है। देखिए, जो ये मोलस्क, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा और प्लाजिया है, ठीक है, आपको ये बेसिक इतना पता होना चाहिए बायोलॉजी में कि ये टर्म्स किन से रिलेटेड है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना इन डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा तो पढ़ना है कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में भी आए हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा पास्ट पे जाने का, पीछे के पैटर्न पे जाने का यूपीएससी थोड़ा कर रहा है, तो कृपया करके इसे अच्छे से करें, ठीक है, फायदा होगा। तो दैट इज योर सी एंथ्रापोडा, ठीक है, क्या होगा, एंथ्रापोडा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है आपका, राक्षसा कॉकरोचा है, क्या है, एक कॉकरोच है। तो अभी क्या है, इंडियन रिसर्चर्स ने इसे फाइंड किया है, ठीक है, टीम ऑफ रिसर्चर्स, सॉरी, उन्होंने फाइंड किया है कॉकरोच कहाँ पे, इंडियन ओशन इन बांतान में, कहाँ पे, वेस्ट जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े साइज का, इसे कॉकरोच ऑफ सी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉकरोच ऑफ सी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ICAR से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं ICAR से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास। चलो, सो पहला पॉइंट कहता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। दूसरा कह रहा है इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट इज अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बट ये नहीं है, इट्स नॉट 1949, इट्स 1929। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, देन सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, यानी सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है, इसने 92nd फाउंडेशन अपना डे बनाया, कब, 16 जुलाई 2020 को, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1929 में हुई थी, ठीक है, एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी में है, रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में डेयर के अंडर आती है, ठीक है, और एग्रीकल्चर, फिशरी, हॉर्टिकल्चर सबसे डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी, अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कोविड के कारण, ठीक है, कि कोविड में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होना चाहिए शरीर में और उससे रिलेटेड चीज़ों से लेके, ठीक है। तो देखते हैं क्या पॉइंट है ये, अब थोड़ा सा आपका बेसिक जो बायोलॉजी है वो बेसिक बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि फैट सोल्यूबल है कि नहीं, वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, ये तो पहली चीज़ पूछी जाती है विटामिन से। तो भैया ये फैट सोल्यूबल है कह रहा है, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है इट प्रोड्यूस्ड इन सनलाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है।
ध्यान रखना सनलाइट के साथ साथ आर्टिफिशियल में भी होता है, बट एक पर्टिकुलर रीजन में होनी चाहिए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव में, ठीक है। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हाँ इससे भी प्रोटेक्ट ये करता है, तो थ्री विल बी द करेक्ट, तीनों से सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं विटामिन डी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कोविड 19 पेशेंट्स में भी अगर कम हो जाता है तो उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, तो जिसके कोविड जिसकी विटामिन डी ठीक है उसे थोड़ा अच्छी उसके लिए थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है आपके सामने, आपको इनकरेक्ट बताना है इन सब में से, चलो सॉरी मैंने बता दिया और ठीक है चलिए। देखते हैं, तो टॉर्चर इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड बट द डेफिनेशन ऑफ हर्ट एंड गार्गियस हर्ट आर क्लियरली लेड डाउन, ठीक है, एकदम सही बात है। चलिए दूसरी बात कह रहा है, 26 जून इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट यूएन कैट इज साइंड एंड रेटिफाइड बाय इंडिया, साइंड है बट रेटिफाइड नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए तो यही है पूरा का पूरा तमिलनाडु केस जो अभी हमें पता ही है, ठीक है, शकुंतला टाउन का, तो उसी से रिलेटेड ही सारे के सारे पॉइंट हैं जो भी टॉर्चर से रिलेटेड जो कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मेन पॉइंट आपके जो निकल के आए थे वो यहाँ पे निकल के आए थे। इसमें दो आपको ध्यान रखने केस, डी के बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस और नीलावती बेसारा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा केस, कि इनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या क्या जजमेंट में कहा है, ठीक है। तो उसमें 262 जो लॉ जो कमीशन है उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे, और उसके बाद ये ध्यान रखना कैट जो है साइन किया गया बट रेटिफाइड अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यूएन कैट से रिलेटेड पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूएन कैट आपका जो है कितने टॉर्चर से और इन सब से रिलेटेड पॉइंट्स को खत्म करेगा, कब बना था, 1987 में बना था, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था 1984 में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बना कब था, 1987 में आया, ठीक है, और यूएन लिंक है, ह्यूमन राइट बॉडीज ट्रीटिंग के लिए है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन अब आपके सामने है, मागुरी मोटापुंग वाइल्ड लाइफ वेटलैंड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट कह रहा है, मुगारी माटुपोंग बेल जो है इज अ पार्ट ऑफ दिब्रू शिकावा बायोस्फीयर रिजर्व, एकदम सही बात है, इट इज अ इंटरनेशनल बर्ड बायोडायवर्सिटी एरिया, एकदम सही है। और ये कह रहा है इट द रिजर्व कंटेंट कनेक्ट नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू नामधप्पा नेशनल पार्क इन आसाम, आसाम में कहाँ पे है ये, ठीक है, नामधप्पा आसाम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सही क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो वही है मुगरी माकुल बेल, ठीक है, न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑयल किसी के पास ही क्या हुआ था, एक्सप्लोड हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे वो हमने कर लिए इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है, आपको ये बताना है चाटोग्राम और मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। चलिए हमें देखना है कि चाटोग्राम और मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, उड़ीसा कर्नाटक वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, नहीं कहीं नहीं, ये है बांग्लादेश में, तो तीनों गलत है, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इनमें से कौन सी प्लेस जो है वो गौतम बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड जो है वो इंडिया में नहीं है, आपको ये बताना है। पहले भी बुद्धा के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, और एक बार तो हुआ ऐसा कि एक ही क्वेश्चन वापस रिपीट करके पूछ लिया, ठीक है, तो बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको बताना है इसमें से इंडिया में क्या नहीं है। सबको पता है श्रावस्ती सारनाथ कुशीनगर तीनों इंडिया में है, लुम्बनी नहीं है, लुम्बनी कहाँ है, नेपाल में, लुम्बनी है नेपाल, ठीक है, तो एक दो और चार, ठीक है, तो एक्सेप्ट थ्री ऑल, एक्सेप्ट थ्री, ठीक है, तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट आपकी बनती रहती है, ठीक है। चलिए तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी देखिए वो पूरा पंगा इसलिए था क्योंकि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ओली साहब, उन्होंने कहा कि जो बीरगंज है वहाँ वो है राम जन्मभूमि, ठीक है, वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, तो उसके कारण पूरी कंट्रोवर्सी उठी, इसलिए ये थोड़ा आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखना है, इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो सॉरी वो थोड़ा उड़ गया है, ठीक है, तो उसे देखते हैं कि क्या था, ठीक है, तो वो है एच इनिशिएटिव, एशिया एच इनिशिएटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है, एशिया एशियन एज इनिशिएटिव, ठीक है, तो एशियन एज इनिशिएटिव जो है सम टाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसका
आपका है ये, ठीक है। तो एशिया एच इनिशिएटिव आपको बताना है किस कंट्री का या किसका, एशिया एच इनिशिएटिव किसका है, ठीक है। आसियान का है, वर्ल्ड बैंक का, यूएस गवर्नमेंट का या AIIB का है, तो ये यूएस गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए एच इनिशिएटिव किसका है, यूएस गवर्नमेंट का है, ठीक है। टू ग्रो सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी इन टू इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जो क्या नाम है आपकी, बहुत सारे जो तबलीगी जमात करके उन्हें बहुत लोगों को डिटेन किया गया था, ठीक है। तो उसके लिए प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। बट बेसिकली हमको प्री के परस्पेक्टिव में पता होना चाहिए प्ली बार्गेनिंग है क्या, और थोड़ी बहुत चीज़ें से रिलेटेड हमें जाननी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट क्या रहा है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द एक्यूज्ड में बार्गेन विद द प्रोसिक्यूशन फॉर लेसर पनिशमेंट, एकदम सही है। और सेकंड कह रहा है द इंडियन कोड मेक प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय एक्यूज्ड, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। थर्ड है, इट इज अवेलेबल ओनली टू दोज एक्यूज्ड ऑफ सिविल ऑफेंसेस इन इंडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए है। तो सी यानी 1 and 2 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सी आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो वही है, पूरी की पूरी तबलीगी जमात से रिलेटेड था, तो वही इसी से रिलेटेड पॉइंट किया गया है, ठीक है। 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था CRPC में, ठीक है। तो US का ये है, US में इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भागीरथी इकोसिस्टम जोन, ठीक है। भागीरथी इकोसेंसिटिव जोन से रिलेटेड है, द जोन इज एन इंटरवोवन इंटरडिपेंडेंट फ्रजाइल गंगा हिमालयन बेसिन लोकेटेड इन अपर हिमालय, ठीक है। तो देख के ही बड़ी मतलब अच्छी सी स्टेटमेंट लग रही है, बढ़िया ही है, ठीक है। सही है, इकोसेंसिटिव जोन आर फ्रजाइल एरिया नोटिस अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। दोनों सही है, बी यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम पहले ही कर चुके थे, आपको पता है कहाँ पे, उत्तराखंड में ये है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ही इसे कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आज से क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे इस महीने के क्वेश्चंस और जितने बने हैं तो उन्हें और रिवाइज करके पूरे के पूरे 10 तारीख मतलब जो महीने का एंड है वहां तक में हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पूरे महीने के रिवीजन वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बट ये नए तरीके से है पूरे के पूरे, तो यहाँ पे आप लोग उन चीज़ों को कर पाएंगे अच्छे से। तो जो भी न्यूज़ में रहा इस महीने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इस महीने न्यूज़ में था, ठीक है, 55। तो इसमें पूछ रहा है, एज पर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज स्टॉक लिमिट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पहला गलत है, तो पहला गया ये काम खत्म, यह काम खत्म, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत नहीं है, 2 and 3 विल बी द सही आंसर, ठीक है। तो एग्री फूड स्टफ कैन ऑनली बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सच एज वॉर, एकदम सही बात है। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी एसेंशियल कमोडिटी, ये भी सही बात है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बताएगी, ठीक है। तो यही पूरा एक्सप्लेनेशन है जो आपका, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। वो स्टेटमेंट वहीं पे पूरी जब हो ही जा रही है, पूरी बताई दे रही है अपने आपको, तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन है, हमें मालूम है टिकटॉक बैन कर दिया, ठीक है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ठीक है। तो वो तेरी प्यारी प्यारी तो अखियाँ वाला काम नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ बताया, ठीक है। बट हमारे लिए तो मेन जो प्रॉब्लम है वो 69A है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, तो वो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। चलिए तो देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद एमरजेंसी पावर टू ब्लॉक एनी कंटेंट, ठीक है, ये आपको बताना है। और सेकंड है, एज पर द 69A, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो क्योंकि वन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 69 IT एक्ट प्रायर नोटिस मस्ट बी सर्व टू कंटेंट प्रोवाइडर बिफोर ऑफरिंग अ बैन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉकिंग रिजल्ट टू द रिमूवल ऑफ कंटेंट बाय एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नहीं ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन से हटाना हम तो बैन कर रहे हैं ना उसे। तो 2 and 3 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर आपका। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो थोड़ा इसे कर लीजिएगा, ठीक है, वो ए ही हो गया सारा का सारा। चलिए तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंडिया में बैन लगाता है, बाकी सब में नहीं लगाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज करेक्ट। तो ये थोड़ा ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, बी है, सी है और डी है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन ऐसे के ऐसे ही रह गए, तो इन्हें आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आर करेक्ट? इट एम टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू माइग्रेंट एंड दोज विदाउट राशन कार्ड, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि चलिए दूसरी बात कह रहा है कि भैया दिस विल बी देयर विल बी फ्री अलॉटमेंट टू एडिशनल 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अभी तो इसमें चेंज भी करने जाने की बात करी जा रही है, ठीक है। प्रोवाइड फ्री ग्रेन ओनली दोज विदाउट राशन कार्ड, ठीक है, माइग्रेंट और राशन कार्ड वालों के बिना नहीं, सबको देने की बात की जा रही है इसमें, ऑल को बात देने की जा रही है जिनके पास राशन कार्ड है, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18th क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली इंडिया ने एक कंसेशनल एग्रीमेंट साइन किया है 600 मेगावाट कुल्लुगुच्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये कुल्लुगुच्चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है आपको ये बताना है, ठीक है, किस कंट्री में? भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो ये कहाँ पर है? ये है, ये है आपका भूटान में, ठीक है। इससे पहले एक और हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मार्गडेचू क्या है? इंडिया भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, मार्गडेचू प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे देखते हैं 19th क्वेश्चन को। चलिए तो पहला है कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट रिलेटेड सेरोलॉजिकल टेस्ट प्रेजेंस ऑफ वायरस थ्रू नेजल एंड थ्रोट, ठीक है। नहीं, इससे नहीं होता, ब्लड में देखा जाता है, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत बचा दो तीन एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो तीन अपने आप ही सही है। इट कैन हेल्प इन डेवलपिंग कोवैलेंट प्लाज्मा थेरेपी, एकदम सही स्टेटमेंट हो गई, ऑप्शन से दिख रहा है। अब दूसरा, इट इज यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ कोविड 19, नहीं कंफर्मेशन नहीं देता एंटीबॉडी वाला, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं देता है, इसी का इशू बहुत ज्यादा चला था, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट G4 से रिलेटेड है, G4 फ्लू से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G4 फ्लू वायरस। इट इज अ स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट कैन बी अफेक्ट बोथ ह्यूमन एंड पिग, ठीक है, एकदम सही स्टेटमेंट है, दोनों चीजें कर सकता है ये। इट हैज जीनस सिमिलरली टू वायरस कॉज्ड इन 2019 स्वाइन फ्लू पैंडमिक, एकदम सही है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज लिमिटेड, हाँ एकदम सही, लिमिटेड ही है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 and 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबा एंड्रोसिया सीन इन न्यूज रिसेंटली। तो इस महीने के ही न्यूज़ हैं सारे के सारे, इस महीने के जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी मतलब हम लोगों ने कर चुके हैं सारे के सारे, इन्हें वापस करेंगे नए पैटर्न से, नए तरीके से, ठीक है। तो पूरे जितने भी हैं वो सब भी खत्म करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हों। इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज दैट हैव रिसेंटली गॉन एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वापस खोज निकाला गया है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ नैरो एंडेमिक बींग रिस्ट्रिक्टेड मेनली इन तिस्ता रिवर वैली, ये हमने पता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, 2 है ये, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट इज एकदम सही, तो हमारा हो जाएगा ओनली 2, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो रखी है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ये ए बी सी डी इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ये हुआ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्स इनिशिएटिव जो है वो एकदम सही है। तो ये कह रहा है इट इज अ वर्ल्ड बैंक, टाइम है तो चला दें, इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट थ्रू समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इट एम्स टू इम्प्रूव लर्निंग सिस्टम एंड फैसिलिटेट स्कूल टू वर्कशिप, एकदम सही है। इट गिव एन लार्जर रोल टू नॉन स्टेट एक्टर इन बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी। तो यही वाला मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नॉन स्टेट एक्टर्स को ये देता है, ठीक है। तो एकदम सही है, 1, 2 and 3 ऑल ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, टाइम ऑन कर दे, चलिए तो इसका देखते हैं आंसर क्या है हमारा। इसमें है पहला कह रहा है ऑप्शन, अडॉप्शन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच इसमें अपनाई गई है, एकदम सही है। सेकंड कह रहा है फोकस ऑन वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स
एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो एकदम सही है। नेक्स्ट बात कर रहा है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर सेटिंग न्यू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो न्यू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं, जो पुरानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उन्हीं के लिए दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना होता है, ब्राउन फील्ड, ग्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, ठीक है। तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च, एकदम सही है। तो ये अगर 1-4 देखें, इसे हम बी सी डी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। तो डी बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग पहले ही कर चुके हैं इन सब स्टेटमेंट्स को। चलिए नेक्स्ट आ गया एक्सेलरेट विज्ञान, हम लोग इसे भी कर चुके हैं, सब कुछ किया हुआ है, बस उन्हीं क्वेश्चंस को वापस कर रहे हैं अलग तरीके से, ताकि और से और ज़्यादा हम क्वेश्चंस को समझ पाएं। तो एक्सेलरेट विज्ञान इज अ स्कीम ऑफ SERB टू एक्सपांड द रिसर्च बेस इन कंट्री। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी विद इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर जो है, ठीक है, ये जो है हमारा सेबी ऑफ इंजीनियरिंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हेड नहीं करते, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये 2 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एक्सेलरेट विज्ञान जो है ये एकदम सही है, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। बी जो है उसकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे हमारे जितने भी करंट अफेयर के MCQ थे आज के और कल के, वो हमने सारे करंट अफेयर MCQ अपने खत्म कर लिए, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए। दिस इज माय कोड आलोक YT, जिसे आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, जहाँ पे आपको PDF और अदर चीज़ें मिल जाएंगी। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी।